अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मेरा कैसे होंगे? अब बहुत सारे दोस्त जी ये पूछते हैं कि जी जॉब आप चेंज कैसे कर सकते हैं जी पोलैंड के अंदर, या कितने टाइम बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं ये बता दें। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं ये बताऊंगा कि आप जॉब कब चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, या पोलैंड कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे बंदे मैसेज करते हैं जी, उनके अलग अलग प्रोफेशन होते हैं कि जी मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, कोई कहता है मैं कुक हूँ, कोई कहता है मैं क्या हूँ। तो हम ये कैसे मतलब यहाँ पे पोलैंड में सेम अपने प्रोफेशन में आ सकते हैं? तो देखिए, सेम प्रोफेशन में आना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, ये बात याद रखिए आप। यहाँ पे जो कंपनी है या रेस्टोरेंट है या शॉप्स हैं या तो कोई भी छोटी मोटी दुकानें या स्टोर हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो आपको बुला सकें। यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती, छोटी होती हैं। यहाँ पे बड़ी कंपनी होती हैं, वेयर हाउसेज यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे बड़ी कंपनी है वो सारी, ठीक है। और वो टैक्स पेड होती हैं ज़्यादा, उनमें लेबर की भी ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर जो काम छोटे मोटे होते हैं प्रोफेशनल तरीके से, वो यहाँ पे पोलिश लोग खुद ही करते हैं, ठीक है। किसी भी आप प्रोफेशन की बात कर लें, ठीक है। लेकिन जो वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे सैलरीज कम होती हैं नस्बत किसी भी दूसरे प्रोफेशन के। तो पोलिश लोग जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर काम नहीं करते, वहाँ पर सैलरी कम होती है। तो इसलिए जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं वो वहाँ पे वेयर हाउसेज में जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने का सबसे आसान हल यही है कि आप कोई भी, आपको जी अगर आपने यूरोप आना ना, तो इस जहन में मतलब ये बाहर निकाल दें कि आपकी कोई डिमांड हो। आप कहें जी आपको कोई किसी भी प्रोफेशन में कोई बंदा बुला रहा है ना जी, कोई भी वैकेंसी है तो आपको बुला रहा है, वो आपकी ना सैलरी की डिमांड होनी चाहिए, ना कभी आप कहें जी मैं इस पोजिशन में काम कर रहा हूँ, ना आपको अपनी बात हूँ। जब मैं जॉब आने का सोचा, मुझे मतलब इस बंदे से बात हुई और फिर प्लान बन गया कोई और आना है, यकीन करें कभी मैंने अपनी सैलरी का नहीं पूछा था, ठीक है। मेरी सैलरी वहाँ पे आने के बाद कितनी होगी, कभी उससे मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं। उसके बाद मेरा काम क्या होगा वहाँ पे, ये भी नहीं पूछा, ठीक है। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, जब पता है कि बंदे यूरोप जाना है, ठीक है, तो एक बार जाना है बस, उसके बाद हर चीज़ मैं सेट कर लेता है। मैं मस्कत में रहा हूँ 6 साल, इस काम का बड़ा एक्सपीरियंस है और शुक्र मिला मैं जहाँ पे भी मतलब गया है अपने आप को हमेशा सेट कर लिया हर जगह पे, और शुक्र मिला यहाँ पे भी कर लिया, ऐसा हो रहा है, मतलब हर चीज़ बेहतर होगी। स्टार्टिंग में हमेशा प्रॉब्लम आती है, सेम फील्ड में नहीं भी जॉब मिलती खली वाली कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आओ उसके बाद जॉब चेंज कर लो। यहाँ पे जॉब चेंज करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको ना तो कोई NOC चाहिए होती है यहाँ पे जॉब चेंज करने के लिए, ना कोई दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। किसी भी कंपनी में आए, वहाँ पे काम स्टार्ट करें, थोड़ा सा मालूमात लें, समझ लें, पैसे जब आना शुरू हो जाएं, मतलब सैलरी आना शुरू हो जाए, थोड़ा घूमें फिरें, देखें, फिर बंदा कहीं अपने से प्रोफेशन में जाकर बताए उनको जी मुझे काम आता है, ठीक है, तब तो थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज भी समझ में आना शुरू होती है, उसके बाद जॉब चेंज कर लो। जॉब चेंज करने का यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, चाहे आप आते जॉब चेंज कर लें, मतलब कोई नई दूसरी कंपनी आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करती है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी इशू के। तो इसमें मतलब जॉब चेंज करना तो कोई इशू है ही नहीं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए जॉब चेंज करने की यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, किसी ने भी जो यहाँ पे है, किसी भी काम में कोई भी जॉब मिलती है बस आ जाओ। ये ना कहो जी मुझे टैक्सी में चाहिए या ड्राइविंग में चाहिए या मतलब जो प्रोफेशन है जी वही चाहिए, मैं तो वही कर रहा हूँ, तो सेम। इन बातों को अगर जहन में रखेंगे ना कभी जॉब नहीं आ सकते आप लोग, ये बात याद रखें, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं जब पाकिस्तान में था तो मुझे बाहर जाने का बड़ा शौक़ था, मतलब ना मैं वैसे छोटा सबसे घर में फैमिली में, तो मुझे बाहर जाने का बड़ा शौक था कि यार बाहर एक बार जाना है तो यार देखते हैं बाहर क्या सीन है। मैं जो पाकिस्तान में काम कर रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था काम, मैं हॉस्पिटैलिटी फील्ड में था लेकिन डिफरेंट था काम। जब मुझे मस्कत की ऑफर आई थी, मैं कोई बात नहीं भाई कहूँगा जाकर, मैं कोई मसले की बात ही नहीं है ये, तो वहाँ पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, वहाँ पे काम स्टार्ट किया, वहाँ पे चला गया, मतलब कभी पूछा नहीं था कुछ भी कि वहाँ पे जाने के बाद क्या काम है क्या नहीं, कभी वीज़ा है, मैं कहा ठीक है जी मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पे चला गया। वहाँ पे 6 साल गुजार दे, मतलब पहले जब स्टार्टिंग होती है ना बंदे की कहीं किसी भी कंट्री में, तब बंदे को मुश्किलात होती हैं हमेशा, ये बात याद रखें। 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मुश्किल रहती रहती हैं, चाहे वो पोलैंड है चाहे वो जर्मनी, मतलब कोई भी जगह है ना, प्रदेश जो होता है मुश्किल रहती हैं, लेकिन जब आहिस्ता से टाइम गुजरता है तो फिर जाके हर चीज़ बेहतर होना शुरू होती है। हाँ मैं भी कुछ मुश्किल नहीं, पहले सेट होगी, फिर मतलब बहुत सेट होगी, मतलब बहुत सेट रहा मैं वहाँ पे, ठीक है। अपनी गाड़ी भी ली,
और अपने शौक भी पूरे किए, बड़ा पैसा कमा चुका हूँ अल्लाह मुस्कत से। ठीक है, फिर जब मैं जॉब का मूड बन गया तो फिर इधर भी जब आया था तो मेरी कोई डिमांड नहीं थी। ठीक है, और आपने भी कहीं यूरोप आया तो अपनी डिमांड को मेरे भाई छोड़ दें, ये बात याद रखें कि जी वहाँ पे ये काम हो, वहाँ पे सैलरी इतनी होनी चाहिए मुझे। सैलरी तो यहाँ पे घंटों के हिसाब से मिलती है, फिक्स नहीं होती। जितने घंटे आपने काम कर लिया उतने घंटे आपको सैलरी मिल जाएगी यहाँ पे, 20 जलोटी, 23 जलोटी या 25 या 25 मतलब जलोटी पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, और सऊदी में कन्वर्ट करें तो वो 20 रियाल या फिर 25 रियाल पर आवर के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो यही बात बस जहन में रखें कि अगर आपने यूरोप आना तो आपकी अपनी डिमांड कोई ना हो, बस ये बात याद रखें। एक बार यहाँ पे आ जाएं तो उसके बाद देखें सूरत हाल को, फिर आप अपने आप को बेहतर करें। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में डिमांड कर देंगे जी मैं तो ये हूँ तो मुझे उसी में काम चाहिए, मुझे ये वाली सैलरी चाहिए, मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, तो ऐसे करते रहेंगे तो कभी भी नहीं आ सकेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब आपने यूरोप आना, आपको जरूरत है मेरे भाई यूरोप आने की, यूरोप वालों को तो किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो बंदे वैसे बहुत फिर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत है तो फिर आपने अपनी डिमांड नहीं बतानी कि जी मुझे ये चाहिए या वो नहीं चाहिए या इस काम में नहीं चाहिए। जो वो कैंसी मिलती है, जो मिलती है, जहाँ मिलती है, बस पकड़ लो उसको, बोलो ठीक है जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं कर लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बेहतर हो जाती है। ठीक है ना जी, अगर आप स्टार्टिंग में कहेंगे जी मुझे तो ये काम चाहिए वो काम चाहिए, तो फिर ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि सेम प्रोफेशन में काम मिले बंदे। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर किसी बंदे ने पोलैंड आना है या यूरोप आना है तो अपनी डिमांडों को छोड़ दें। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे हर चीज़ आप खुद ही सेट कर सकते हैं मेरे भाई, हर चीज़ को टाइम लगता है मेरे भाई, मतलब सेटिंग करने के लिए। ठीक है, ये इजी टास्क नहीं होता, स्टार्टिंग में बहुत सारी मुश्किल आती है, यहाँ आने के बाद ही मुश्किल आती हैं। जैसे मतलब सऊदी या दुबई में लोग कंपनी में जाते हैं, कभी काम नहीं होता, कभी रहायश ठीक नहीं है, कभी क्या मसले हैं, तो सेम यहाँ पर भी सेम ही मसले होते हैं मेरे भाई। तो इसलिए मसलों से घबराने की मतलब कोई जरूरत नहीं होती, ना बंदे को परेशान होने की जरूरत होती है, ऐसा ऐसा हर चीज़ बंदा बेहतर इंसान कर ही लेता है। ठीक है ना, जब बंदा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ आना शुरू होगी, जैसे वहाँ किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेट होता है मेरे भाई गल्फ में, वैसे सेम यहाँ पे भी हो जाता है। टाइम ज़रूर लगते हैं इन कामों के लिए, लेकिन हो जाती है हर चीज़। ठीक है, तो बेहतर यही है मेरे भाई कि जितने भी लोग आना चाहते हैं वो अपने डिमांड्स को छोड़ दें। ठीक है, अपने प्रोफेशन को कोई भी जॉब मिलती है कहीं भी मिलती है तो चेंज बस आ जाओ एक बार, उसके बाद आने के बाद यहाँ पे चेंज कर लो। मेरा खुद का मेरे भाई जो सिस्टम था वो डेग्निशन और था, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद अपना चेंज करवा लिया। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आए किस डेग्निशन के ऊपर हैं और बाद में फिर आप काम किस डेग्निशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे आ गए ऑलरेडी तो उसके बाद फिर जब मर्जी आप अपना काम चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वैसे इस बात से कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे सब प्रोसीड होगा। ठीक है।